नमस्कार, एएस न्यूज में आपका स्वागत है। खबर गाजीपुर से है, जहां खेतों से ऑर्गेनिक कार्बन नाइट्रोजन तेजी से घट रहा है, जिसकी वजह से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से खेतों में जरूरत से ज्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल है। फास्फोरस और पोटास आदि तत्व भी कम हो रहे हैं। गाजीपुर जनपद के सभी ब्लॉकों में कार्बन न्यू लो पाया गया है। इसका खुलासा मुद्रा परीक्षण में हुआ। इसमें कार्बन की स्थिति सही नहीं पाई गई। जनपद के 5 ब्लॉकों में ये न्यू श्रेणी में है। फास्फोरस व पोटास मध्यम श्रेणी में है। गाजीपुर से एएस न्यूज के लिए आरिफ वार्षिक रिपोर्ट। ये परेशानी है, पेड़ तैयार किए, जोत लिए, बो लिए, तैयार किए, तोड़ने का होगा पेड़ उखड़, तो क्या फायदा मिला? सब मेहनत मजदूर मेरा चली गई। लेकिन इसके लिए का खेती में विचार किया जाए कि मान लो हमारा पूरा प्रॉफिट नहीं मिले, मतलब पूरा किए प्रॉफिट नहीं मिले तो क्या फायदा? ये ना बात मान लो मन के सही खेती में बराबर होके माला इसमें उठा रोग न लगे, बढ़िया होकर पैदावार के मान लीजिए कोई सूचना दे कि माला मन का अच्छा से होकर प्रॉफिट होगी, तबे ना कोई फायदा हुई। सब कमाला धोती वाला खाला टोपी वाला तबे ना मन का कमाई, तबे ना पैसों वाला खरीद के खाई, खेतों में पैदे ना खेतों खरीद के पैसों वाला का खाई, मटिया खाई। दवाई जैसा पौधा मांगता है वैसा होता है। मान लीजिए चेरी प्लस डालते हैं फरने के लिए, कीटनाशक डालते हैं कीड़ा मारने के लिए, टॉनिक दिया जाता है बढ़ाने के लिए होता है। हम कैसे लगे लग जब सारा खेती तैयार किए उकट गया तो लगता है ना, नहीं लगता प्रॉफिट मिलता तो लगता कि सही है। मान लीजिए सोरोना खेती में लगाएं और सोरोना चला गया, नहीं मिला तो 6 महीना की मेहनत गई, मजदूरी गई, पानी गई, बीया गया, सब गया, तो क्या मिला? तब ये नहीं होगा खेत में कुछ कमी है, कमी पूरा होना चाहिए ना। लोग आवे कि मान लो इस मिट्टी की इलाज करें, हम पूरा फायदा करते हैं, मेहनत करते हैं, तो फिर मेरी मजदूरी मिले है? मजदूरी कोई नहीं चाहिए। मान लीजिए दिन भर आपका रूप से गाजीपुर में धान और गेहूँ की फसल ली जाती है। ये दोनों फसलें बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्वों को ग्रहण करती हैं, उनके कारण से हमारे ज़मीन में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसके लिए हम लोग जो अकार्बनिक उर्वरक हैं उनका प्रयोग करते हैं, क्योंकि उर्वरक जो भी डाले जाते हैं उनका जो ज़मीन में मिलने के लिए बैक्टीरिया की जरूरत होती है, पोषक तत्व की जरूरत होती है, कार्बनिक पदार्थ की जरूरत होती है। कार्बनिक पदार्थ की जनपद में बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। जो जिले में या मिट्टी में 0.8% होना चाहिए, वो यहाँ पर 0.2, 0.1, 0.3 तक कहीं कहीं ज़मीनों में पाया जा रहा है, जिसको बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। बिना कार्बनिक पदार्थ बढ़ाए खेती, आगे खेती जो है करना संभव नहीं होगा। इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो हमारे प्रत्येक राजस्व गांव में एक एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट बनाई गई है, जिस पर सरकार 6,000 रुपये अनुदान भी दे रही है। इसका किसान भाई प्रयोग करते हुए वर्मी कंपोस्ट बनाएं, अपने खेतों में डालें, जिससे कार्बनिक पदार्थ की उर्वरता बढ़े। दूसरा, हम लोग जो भी ढांचा हरी खाद के रूप में ढांचा का प्रयोग करा रहे हैं, जितने भी हमारे प्रदर्शन कराए जा रहे हैं खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत, उसमें हम किसानों को ढांचा का बीज भी दे रहे हैं। वो बीज उसके बाद ही उनको धान बीज दिया जा रहा है, जिससे जो हरी खाद वाला कार्यक्रम है वो सफल रहे और खेतों में हमारी उर्वरता बढ़ी रहे और जो हम कार्बनिक पदार्थ कम हो रहा है वो हमारा असर।